दोस्तों नमस्कार, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज जिस वृक्ष के बारे में व उसके फायदों के बारे में जानकारी लेकर आए हैं, उसके फल खूब मीठे, पौष्टिक, ताकत का खजाना तथा कई रोगों की नायाब औषधि हैं। प्राचीन विद्वानों ने इसके फलों की जो न केवल खूब प्रशंसा की है, बल्कि इन्हें श्रमहर यानी कि थकावट को दूर करने वाले, पेट को साफ करने में भी सहायक माना है। जी हाँ, यह वृक्ष है खजूर। खजूर के फायदों, गुण, लाभों की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे खनिज पदार्थ, प्रोटीन आदि पाए जाते हैं। दोस्तों इसमें प्रोटीन, वसा, शर्करा, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी आदि गुणकारी तत्वों की भरमार होती है। यह खूब बल, वीर्य बढ़ाने वाला, नाड़ियों, मस्तिष्क को ताकत प्रदान करने वाला, रोग दोषों का दमन करने वाला, पित्त विकारों, गर्मी के रोगों, जलन आदि का नाश करने वाला है। दोस्तों यही नहीं, यह कमर दर्द, साइटिका, बाय के रोगों, हृदय की कमजोरी, भ्रम, मूर्छा आदि रोगों में भी बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभ करता है। यही नहीं, यह गर्भ पोषक भी है तथा गर्भावस्था जन्य जो परेशानियां हैं, जो उपद्रव हैं, मूत्र की जलन को भी नाश करता है। दोस्तों खजूर वृक्ष का रस, जिसे नीरा, खजूर रस, खजूरी, खरजूरिका, वृक्ष तोये आदि कहते हैं, इसका ताजा रस बलकारी, पेशाब खुलकर लाने वाला होता है, लेकिन बासी, मदकारी यानी नशा करने वाला, ताड़ी होता है। यही नहीं, यह नाड़ी दुर्बलता, अग्नि मांद, खांसी, श्वास अपच, टीबी, मूत्र के रोगों में बहुत लाभ करता है। दोस्तों खजूर की चीनी, गुड़ भी बनाए जाते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक नहीं माने गए हैं। इसमें खनिज तत्वों, मिठास व प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। खास बात यह है दोस्तों कि खजूर की शर्करा गन्ने की चीनी की तरह अम्ल व विषैले रोगकारी तत्व नहीं पैदा करती। सच तो यह है कि खजूर की शर्करा शरीर में बल, क्षारीयता तथा पोषक तत्वों को खूब बढ़ाती है और सहजता से पचने वाली होती है। दोस्तों अगर सिर के, दाढ़ी मूछों के बाल जगह जगह से उड़ गए हैं तो खजूर की कलियों के क्वाथ से बालों को धोने से न केवल बाल उगाते हैं बल्कि काले घने हो जाते हैं। दोस्तों अगर शरीर में गर्मी, जलन का एहसास हो रहा है तो खजूर फलों को पीसकर शरबत बनाकर पीने से, पिलाने से बहुत लाभ होता है। दोस्तों अगर भूख कम लगती है, खाने का मन नहीं करता है तो खजूर को नींबू के रस के साथ पीसकर खाने से भूख बढ़ जाती है और खाने की इच्छा खूब करने लगती है। दोस्तों अगर मूत्र में जलन होती है तो पिंड खजूर के ताजे रस में मिश्री मिलाकर पिलाने से मूत्र शीतल व खुलकर आने लगता है। अगर वीर्य शीघ्र निकल जाता है, वीर्य पतला है, शीघ्र पतन की समस्या है तो खजूर व बादाम की खीर खाने से लाभ होता है। दोस्तों अगर वीर्य कमजोर है, पतला है, वीर्य में गर्मी अधिक बढ़ गई है तो दोस्तों खजूर, आंवले का मुरब्बा दूध के साथ खाने से वीर्य खूब ताकतवर, पुष्ट बनता है और गाढ़ा हो जाता है। अगर मर्दाना शक्ति कम है, नपुंसकता के शिकार हैं तो 20 ग्राम खजूर बीज निकालकर पीस कर उनको दूध में मिला दें। अब उसमें थोड़ा दालचीनी का चून डालकर गुनगुना पिलाने से मर्दाना शक्ति खूब बढ़ती है। इसी तरह दोस्तों अगर स्त्री को बंध्यत्व रोग है, गर्भधान नहीं हो रहा है, परेशानी है तो खजूर को काली गाय के दूध में पकाकर पिलाने से, ठंडा करके पिलाने से बहुत लाभ होता है और गर्भधान की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसी तरह दोस्तों अगर बाय के प्रभाव से शरीर में दर्द है, हड़फूटन की समस्या है तो 10 ग्राम खजूर चून को दूध में पकाकर उसमें गाय का घी 10 ग्राम डालकर पिलाने से, गुनगुना करके पिलाने से लाभ होता है। दोस्तों अगर खूनी बवासीर की समस्या है, खून आता है तो गाय के दूध की दही की छाछ आधा गिलास में
उतना ही पानी मिलाकर नागकेशर का चूर्ण 2 ग्राम, खजूर चूर्ण 10 ग्राम मिलाकर पिलाने से, 10 से 15 दिन तक पिलाने से खूनी बवासीर में बहुत आराम आता है। यही नहीं, इस स्वादिष्ट मधुर फल की अनेक औषधियाँ भी बनाई जाती हैं, जिनमें खजूर आदि पाक, खजूर आदि चूर्ण, खजूर आदि घनसत, खजूर आदि वटी, अवले, घृत, आसव, हलवा आदि बनाकर प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों, खजूर के विभिन्न भाषाओं में नामों की बात करें तो इसे खजूर, डेट, फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस, छुहारे, फिंड खजूर आदि नामों से जाना जाता है। इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो वैसे तो इसे अफ्रीका, पश्चिमी एशिया का निवासी माना जाता है, लेकिन आज इसकी खेती स्पेन, इटली, चीन, अमेरिका, अरब, अल्जीरिया, मिस्र आदि देशों में खूब की जाती है। इराक में खजूर छुआरे का भी खूब उत्पादन होता है, वहीं पिंड खजूर काबुल कंधार में अधिक होता है। भारत में भी सभी जगह इसके वृक्ष पाए जाते हैं। दोस्तों, इसके परिचय, वानस्पतिक परिचय की बात करें तो इसके लंबे गोल तने वाले वृक्ष होते हैं, जो 30 से लेकर 50-60 फीट तक भी ऊंचे होते हैं। इसकी लकड़ी ठोस नहीं होती, फल ऊंचाई पर गुच्छों में लगते हैं। भेदों की बात करें तो दोस्तों, कुछ विद्वानों ने खजूर के 4 भेद, कुछ ने 3 भेदों का वर्णन किया है। दोस्तों, किसी ने 5 भेदों का भी वर्णन किया है, लेकिन मुख्य भेद 2 ही बताए गए हैं, जिनमें खजूर छुहारा पिंड खजूर होते हैं। दोस्तों, के गुण धर्मों की बात करें तो यह गुणों में स्नग्ध, चिकना, गुरु यानी पचने में भारी होता है। इसका रस मधुर होता है, इसका विपाक भी मधुर यानी मीठा ही होता है। इसकी प्रकृति ठंडी यानी शीतल होती है, अतः वात पित्त का शमन करने वाली बेहतरीन औषधि बूटी है। विशेष की बात करें तो दोस्तों, इसके फल व रस का ही प्रयोग किया जाता है। वैसे खजूर आदि मेवे सूखे ही खाने योग्य होते हैं। खजूर गुरु गुण वाला होने के कारण देर से पचता है, अतः शहद, शकरा, अनार का रस इस दोष को दूर कर देता है। खजूर बहुत ही गुणकारी, बहुत ही नायाब औषधि बूटी है, फल है, मेवा है। तो दोस्तों, जड़ी बूटियों का प्रयोग करें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।